लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल रायशुमारी के साथ जरूर जुड़े, उसे सब्सक्राइब कर लें, पास ही लगे बेल आइकन के इस बटन को भी दबा दें। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले में सोमवार दोपहर भूकंप के झटकों से लोग दहशत में आ गए। दोपहर करीब 12:18 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, इससे लोग घरों से बाहर निकल गए। फिलहाल किसी नुकसान की जानकारी नहीं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.7 दर्ज की गई। इसका केंद्र पिथौरागढ़ में जमीन के भीतर करीब 10 किलोमीटर रहा। भूकंप से पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी और बागेश्वर जिले के कपकोट जैसी जगहों पर लोगों को ज्यादा झटके महसूस हुए। झटके से फिलहाल कोई नुकसान नहीं हुआ है। बागेश्वर के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने बताया कि नुकसान की जानकारी जुटाई जा रही है, फिलहाल कोई सूचना नहीं। वहीं भूकंप की नजर से उत्तराखंड बेहद संवेदनशील है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी और चमोली जिले में 2 बड़े भूकंप आ चुके हैं। इससे भूकंप के हल्के झटके से लोग दहशत में आ जाते हैं। उत्तरकाशी में 20 अक्टूबर 1991 को 6.6 तीव्रता का भूकंप आया था। उस समय हजारों लोग मारे गए थे, साथ ही संपत्ति को भी ज्यादातर क्षति हुई थी। इसके बाद 29 मार्च 1999 में चमोली जिले में उत्तराखंड का दूसरा बड़ा भूकंप आया था। उत्तराखंड राज्य में आया ये भूकंप हिमालय की तलहटी में 90 सालों का सबसे शक्तिशाली भूकंप था। इस भूकंप में 103 लोग मारे गए थे। भूवैज्ञानिकों के मुताबिक पिछले 4 सालों में मेन सेंट्रल थ्रस्ट पर 71 से ज्यादा बार भूकंप के झटके आ चुके हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्षेत्र कितना सक्रिय है। उनका कहना है कि छोटे छोटे भूकंप के झटके बड़े झटकों की संभावनाओं को रोक देते हैं। इंडियन और एशियन प्लेट के बीच दबाव टकराने और घर्षण से भूकंप की घटना होती है। मेरे रिपोर्ट रायशुमारी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल रायशुमारी के साथ जरूर जुड़े, उसे सब्सक्राइब कर लें, पास ही लगे बेल आइकन के इस बटन को भी दबा दें।